बोमन जी, आपने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत बहुत लेट की। आप ऑलमोस्ट अपने 40 इयर्स कंप्लीट कर चुके थे जब आपने बॉलीवुड में कदम रखा। आपने एक होटल में एज अ वेटर काम किया, फिर आपने थिएटर भी किया, फोटोग्राफी की, एंड देन फाइनली आपने लैंड किया बॉलीवुड एक्टिंग की तरफ। तो इतना लेट क्यों डिसाइड किया आपने कि आपको बॉलीवुड की तरफ बढ़ना है? मैंने मेरी लाइफ बहुत लेट से, सब कुछ मैंने बहुत लेट से शुरुआत की थी। मैंने जब मैं फिल्मों में आया उस वक्त मैं फोटोग्राफर था, फैशन फोटोग्राफर, एडवर्टाइजिंग फोटोग्राफर, और वीकेंड्स पे एक हॉबी के हिसाब से मैं थिएटर करता था, इंग्लिश थिएटर। तो सैटरडे संडे पे शोज करता था और बाय रेस्ट ऑफ द वीक आई यूज्ड टू डू फोटोग्राफी। लेकिन थिएटर के जो मैंने पहले 2-3 प्लेस किए वो इंग्लिश थिएटर के इतिहास में मुंबई में बहुत बड़े हिट हो गए और पीपल स्टार्टेड टेकिंग मी वेरी सीरियसली एज एन एक्टर। मैं अपने आप को इतना सीरियसली नहीं लेता था और हमेशा प्रोड्यूसर्स और अच्छे डायरेक्टर्स आर लुकिंग आउट फॉर न्यू एक्टर्स, नॉट नेसेसरीली यंग एक्टर्स, खासतौर से कैरेक्टर एक्टर्स। तो मुझे देखने आते थे और कहते थे कि आप फिल्मों में काम क्यों नहीं करते। मैंने सोचा कि अगर मैंने बहुत मेहनत से, मैं 35 साल का था और थिएटर करना लगा, बाय द टाइम आई वाज 40 थिएटर में नाम हुआ। तो मैं बोला मैं फिल्म एक्टर नहीं बनूंगा, मैं फिल्म एक्टर नहीं बनूंगा इसलिए कि मैं ये जो एक लाइन पकड़ के रखा हूँ, लेट मी स्टिक टू दैट एंड लेट मी एक्सेल इन वन line, which is photography. Munna bhai came my way when I was 44 years old. Uske pehle maine ek experimental film ki thi English mein. To wo film Vinod Chopra sahab ne dekhi aur Vinod Chopra sahab ko bahut achhi lagi, performance acha laga, bola aapko filmon mein kaam karna chahiye. 14 din jayenge zyada se zyada. Aap apne studio se jahan pe aap photography karte hain chutti lijiye sirf 14 din ke liye. Take off 14 days and devote it to this film. Bola theek hai, 14 din mein kya hota hai? 14 din mein bahut kuch ho gaya. मुन्ना भाई MBBS बन गई और ओवरनाइट वो दिसंबर के आखिरी में रिलीज हुई थी। बाय द टाइम द न्यू ईयर केम अलोंग माय लाइफ हैड टर्न्ड अपसाइड डाउन। बोमन जी, आपने एक एक्सपेरिमेंटल फिल्म की थी मुन्ना भाई MBBS से पहले। एक्चुअली उस फिल्म में आपको देखकर ही विधु विनोद चोपड़ा ने आपको मुन्ना भाई MBBS के लिए साइन किया था और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है इस सब के पीछे। जानना चाहेंगे आपसे उस स्टोरी के बारे में। आई डिड दिस एक्सपेरिमेंटल फिल्म फॉर लेट्स टॉक, हैंडीकैम पे शूट किए 8 दिन के अंदर, पूरी एक फीचर फिल्म। वो फिल्म रिलीज भी नहीं होने वाली थी, ऐसी बना के रखी थी एज एन एक्सपेरिमेंटल फिल्म। विनोद चोपड़ा ने कहा बुलाओ उसको मेरे पास, मैं गया, उन्होंने कहा कि ये लो चेक 2 लाख का। वाह वंडरफुल, इट फेल्ट ग्रेट। कौन सी फिल्म है? मुझे मालूम नहीं कौन सी फिल्म है, मेरे पास अभी कोई फिल्म नहीं। तो फिर इस चेक किस लिए? इसलिए कि नेक्स्ट ईयर दिसंबर में, मुझे मालूम भी नहीं कि दिसंबर में मैं फिल्म बनाऊंगा कि नहीं, लेकिन दिसंबर में आपको बुक करके रखता हूँ। बोला क्यों? क्योंकि ये फिल्म कैसे भी करके रिलीज करेंगे, लेट्स टॉक। और जब आपको ये फिल्म में कोई देखेगा तो कहेगा कि मुझे ये एक्टर चाहिए और आप मुझे डेट्स नहीं देंगे तो मैं आज ही मैं आपको बुक कर रहा हूँ। बोमन जी, आपने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है और उसका सबूत ही यही है कि आपने अलग अलग तरह के काम किए हैं अपनी लाइफ में। कभी आपने वेटर का काम किया, कभी आपने अपनी पुश्तैनी बेकरी की दुकान चलाई, कभी आपने फोटोग्राफी की लेकिन उसमें भी आपको इनिशियल लेवल पर सक्सेस नहीं मिली। जानना चाहेंगे आपकी स्ट्रगल स्टोरी के बारे में, क्योंकि बहुत सारे लोग जो इस समय हमें सुन रहे हैं वो अपनी अपनी फील्ड्स में हो सकता है स्ट्रगल कर रहे हो, लेकिन जब किसी की इस तरह की स्ट्रगल स्टोरी वो सुनते हैं तो उनको भी बहुत मोटिवेशन मिलती है और वो अपने एम की तरफ बिना कुछ सोचे समझे जोरों शोरों से आगे की तरफ बढ़ते हैं। बट 2-3 साल 35 के उम्र तक बहुत स्ट्रगल करना पड़ा क्योंकि यू हैड टू एस्टैब्लिश अ नेम एज अ फोटोग्राफर। इफ यू वांट टू डू एडवर्टाइजिंग दे वुड ओनली चूज 5 or 6 फोटोग्राफर्स दैट वर फेमस इन दोस डेज। तो मेरा ब्रेक 3 साल लगे। आई एम सेइंग दिस अलाउड, इट टुक 3 इयर्स विदाउट एनी क्लाइंट्स। छोटे छोटे काम करता था, मतलब हार्डली टू पे द रेंट, ऑल्सो रेंट भी नहीं निकलता था। स्ट्रगल ऑफ अ वेरी वेरी डिफिकल्ट लेवल। लोन लिया, इंटरेस्ट नहीं रिटर्न कर सका, उस पे बहुत तकलीफ हुई थी 3 साल। कुडन्ट पे माई कैंटीन बिल। बोमन जी, आपने हमें इतना टाइम दिया उसके लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच।